नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी के बंधन में बंधे 555 जोड़े। मुरादाबाद जनपद में आज उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में शनिवार को हिंदू मुस्लिम कुल 555 जोड़ों के विवाह का आयोजन किया गया। विवाह का आयोजन मुरादाबाद सर्किट हाउस के मैदान में किया गया, जिसमें मुरादाबाद जिले के सभी ब्लॉक और सभी नगर क्षेत्र से लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन दिया था, जिसमें आज 555 जोड़ों का विवाह हुआ। इस कार्यक्रम में पहुंचे मुरादाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 51,000 रुपए का लाभ मिल रहा है, जिसमें आज 555 मुरादाबाद के सभी ब्लॉक और नगरवासियों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लिया, जिसमें जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली ने वरवधु को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली, एसपी सिटी अखिलेश भदौड़िया, मुख्य विकास अधिकारी और सभी ब्लॉकों के एडीओ समाज कल्याण एवं खंड विकास अधिकारी और पंचायत सचिव मौजूद रहे। देखिए, 555 जोड़े यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 291 जोड़े जो है मुस्लिम हैं, 6 जोड़े हैं हिंदू हैं, मुस्लिम जोड़े अधिक हैं। और यहाँ पर सभी जोड़ों को 51,000 रुपये का लाभ दिया गया है, जिसमें 35,000 रुपया जो है लड़की के खाते में दिया गया है, 10,000 रुपया उसके सामान जो तुरंत शादी के बाद जिन सामानों की आवश्यकता होती है, उन सब जिसको लोग दहेज या जहेज वगैरह कहते हैं, उस तरह का आइटम उनको दिए गए हैं, और 6,000 रुपया प्रत्येक जोड़े का ये जो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, पूरा खर्चे खाने का सबका वो उसमें कंट्रीब्यूट किए गए हैं। इस प्रकार ये यहाँ पर 555 जोड़ों की शादी कराई गई है। पिछली बार हम लोगों ने 2500 जोड़ों की शादी करवाई थी और इस बार हमने 555 जोड़ों की शादी। सर, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद में आप क्या कहना चाहेंगे? नवविवाहित जोड़ों के लिए मैं ही कहना चाहूँगा कि वो अच्छा जीवन गुजारें। सरकार ने उनकी बहुत मदद की है, उनके परिवार पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहा दोनों पर, और विशेषकर लड़की के परिवार पे। तो अब उनका दायित्व बनता है एक अच्छा जीवन गुजारे, और हमारी उनके लिए आशीर्वाद आएगा। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए जेड टीवी न्यूज 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।